नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRC न्यूज़ में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। किसान भाइयों, अगले 24 से 48 घंटों के साथ साथ एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर आंधी तूफान बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए ताकि आपके जिले से जुड़ी अपडेट भी आपको हम बता सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, बात करें अगले 48 से 72 घंटों की, तो अगले 48 से 72 घंटों के दौरान लगभग राजस्थान के अंदर मौसम के पूरी तरीके से शुष्क रहने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। विभाग के अनुसार राजस्थान के अंदर अगले 48 से 72 घंटों के आसपास तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ में आपको बता दें, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर हीट वेव चलने की संभावना है, लू चलेगी और तेज़ गर्म हवाओं के झोंकों के साथ में हवाएं यहां पे देखने को मिलेगी। विशेष रूप से जैसलमेर फलोदी के साथ साथ बाड़मेर बालोतरा के साथ जोधपुर के साथ पाली जालौर सिरोही और चांचौर और बालोतरा, इसके अलावा बीकानेर नागौर के साथ डीडवाना अनूपगढ़ के साथ साथ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के साथ सुरूप झुंझुनू सीकर के साथ साथ कोटपुतली, इसके अलावा खेरतल अलवर डिंग के साथ भरतपुर धौलपुर गंगापुर सिटी दौसा जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण दूदू टोंक के साथ साथ सवाईमाधोपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा के क्षेत्रों के अंदर पूरी तरीके से गर्म हवाएँ रहेगी और मौसम पूरी तरीके से लू के अनुकूल रहेगा और तेज़ गर्म हवाओं के साथ में गर्मी में से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही यहाँ पे तापमान आपको बता दें, 44 से 46 डिग्री के आसपास अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। वही आपको बता दें, लगभग यह इस प्रकार का मौसम लगभग 17 मई से लेकर 24 मई के आसपास इस प्रकार से तेज़ व गर्म हवाएँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक और नया WD एक्टिव होगा और इसका हल्का असर देखने को मिलेगा राजस्थान के पूर्वी जिलों के साथ साथ उत्तरी जिलों के अंदर, इस प्रकार से इसका असर देखने को मिलेगा और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी कुछ स्थानों पर इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। लेकिन विशेष रूप से मई महीने के दौरान मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना रहेगा और गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जानकारी आपको हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपसे मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।